हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंडरी सेल का फर्स्ट टाइप जो कि है लीड एक्यूमुलेटर। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंडरी सेल क्या होता है, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूं मैं इसकी डेफिनेशन से, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे यूज होने वाली है। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है केमिकल एनर्जी में, एंड अगेन उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, रिवर्स बैक किया जा सकता है इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, उसी को बोला गया सेकेंडरी सेल। इट मींस अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो आपके मोबाइल की बैटरी या किसी भी चीज़ की जो बैटरी होती है वो क्या होता है, पहले आप उसको चार्ज करते हो एंड चार्ज करने के बाद उसको कंज्यूम करते हो, उसको डिस्चार्ज करते हो, यानी कि यूज़ करते हो उसका। ओके, तो यही है बेसिकली सेकेंडरी सेल। अब जो इसका फर्स्ट टाइप है वो है लीड एक्यूमुलेटर। ओके, चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या होता है लीड एक्यूमुलेटर। तो सबसे पहली बात, जो ये इन्वेंट किया गया था वो किया गया था 1860 में बाय द प्लैंट साइंटिस्ट। ओके, एंड इन 1881 में ये मॉडिफाई किया गया था बाय द साइंटिस्ट फोर। ओके, तो आई होप ये हो गया एकदम बेसिक नॉलेज। चलिए बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये है हमारा लीड एक्यूमुलेटर। ओके, तो इसमें दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, एक है बिफोर चार्जिंग एंड सेकेंड है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि इस बैटरी में, अभी मैं जानबूझ के बैटरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। तो ये जो आपकी बैटरी है एक्चुअली चार्ज करने के पहले की कंडीशन है। इट मींस आपके पास जो बैटरी है वो अनचार्ज है, तो उसको जब चार्ज करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन हम यहाँ देखेंगे। एंड उसके बाद ये आफ्टर चार्जिंग है, इसका मतलब अभी चार्ज हो चुकी है, अब चार्ज होने के बाद उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो दो कंडीशन में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक वेसल है और जो वेसल है वो बना हुआ है ग्लास का। ओके, अब इसमें क्या है, इस ग्लास के अंदर जो लिक्विड लिया गया है वो डाइल्यूट H2SO4 है। ओके, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है वो 30% है, या इसी को आप और अदर टर्म्स में ये बोल सकते हो कि इस डाइल्यूट H2SO4 की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो नियरली 1.24 है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो है दो लीड्स की प्लेट डाली जाती है। एक जो लीड की प्लेट है वो एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के जैसे काम करती है, एंड सेकेंड जो लीड की प्लेट है वो एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड के जैसे काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली क्या है, जो पॉजिटिव वाली जो प्लेट है वो एज अ एनोड काम करेगी, एंड ये जो सेकेंड वाली इलेक्ट्रोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो एज अ कैथोड काम करने वाली है। ओके, तो एक्चुअली जो ये आपको दो प्लेट दिख रही लीड की, इनको हम ग्रिड्स बोलते हैं, एंड इस ग्रिड्स के अंदर जो है पेस्ट डाला जाता है। किस चीज़ का पेस्ट होता है एक्चुअली, ये PBO, जिसको हम पेस्ट ऑफ लिथार्जी बोलते हैं। इस PBO को तैयार कैसे किया जाता है, जो पेस्ट ऑफ लिथार्ज है उसमें PBO एंड डाइल्यूटेड H2SO4 फिल्ड होता है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूं कि जो लिथार्ज का जो पेस्ट है, ओके, इस लिथार्ज के पेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है PBO एंड H2SO4 से। ओके, अभी आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे PbSO4 क्यों लिखा है, हम अभी आपको समझाने वाले हैं कि PbSO4 कैसे हुआ है। अभी आप बस कंस्ट्रक्शन में ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पे PBO प्लस H2SO4 है इनिशियली, बाद में वो रिएक्शन होकर के PbSO4 बनेगा, वो हम आपको वर्किंग में बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इतना सा है पार्ट कंस्ट्रक्शन का। अब क्या होता है, वैसे इस लीड एक्यूमुलेटर के लिए जनरली स्टैंडर्ड बेस की बात करूँ मैं तो हम PBO एंड H2SO4 विच इज अ लिथार्ज पेस्ट बोलते हैं उसका यूज किया जाता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दिख रहा है उसके अंदर कई लोग PB3O4 विच इज अ रेड लीड होता है वो डालते हैं, एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड में लिथार्ज का पेस्ट डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन इट डिपेंड्स, बट द स्टैंडर्ड थिंग इज कि PBO एंड H2SO4 के जो पेस्ट होते हैं, इट मींस लिथार्ज पेस्ट को डाला जाता है। ओके, तो ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो थ्योरी को वीडियो में पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब पहले स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वर्किंग क्या होती है, कैसे होती है, एंड उसके बाद बाय थ्योरी एंड बाय इक्वेशंस कि किस टाइप की इसमें इक्वेशंस होते हैं, कैसी रिएक्शंस होती हैं, कैसे एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये वन बाय वन हम देखेंगे। पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं ताकि आपको एकदम फ्लो जो है वो इजीली समझ में आ जाए। चलिए अब डायग्राम को समझते हैं कि वर्किंग कैसे होती है। अब जैसे कि हमको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो PbO भी है एंड H2SO4 भी है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। ओके, अभी हम जो बात कर रहे हैं बिफोर चार्जिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको चार्ज करने वाले हैं। ओके, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे PbO भी है एंड H2SO4 भी है, आपस में रिएक्शन होकर के वो PbSO4 बनाते हैं, इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है कि PbSO4 लिखा हुआ है, एंड साथ में वहाँ पे H2 भी बचता है विच इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स,
उसके बाद क्या होता है एक्चुअली, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वाटर भी है एंड H2SO4 भी है, ओके। अब जैसे ही हम इसको चार्ज करने के लिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों दे रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमको उसको चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब क्या है कि उस बैटरी को या उस सेल को हमको डायरेक्ट करंट डीसी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि ये सेल जो है वो चार्ज हो जाए, ओके। तो जैसे ही हम इसको बेसिकली एक बैटरी से या फिर डीसी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे वाटर है, ओके, वाटर प्लस H2SO4 है, तो उसमें जो वाटर है वो आयनाइज होना शुरू हो जाता है। आयनाइज होने का मतलब क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो H2O से हमको मिलता है हाइड्रोजन आयन्स एंड ऑक्सीजन आयन्स, ओके। ऑक्सीजन आयन कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, एंड हाइड्रोजन आयन कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो सपोज करें हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, एंड निगेटिव जो इलेक्ट्रोड होती है उसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो यहाँ पे जो निगेटिव आयन्स हैं वो उनको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो O2 निगेटिव है वो इधर जाएगा, ओके, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है बैटरी, एंड जो H+ है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो जब इधर O2 निगेटिव आयन जा रहे हैं उसकी रिएक्शन PbO से भी होगी एंड PbSO4 से भी होगी। PbSO4 कहाँ से आया, H2SO4 एंड PbO की रिएक्शन से हमको PbSO4 मिला था, तो PbO से भी रिएक्शन करेगा वो O2 निगेटिव, एंड PbSO4 से भी O2 निगेटिव जब रिएक्शन करेगा तो हमको मिलता है PbO2 विच इज अ लीड परऑक्साइड, ओके स्टूडेंट्स। तो ये होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की कहानी। चलिए देखते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी PbO है एंड PbSO4 है, तो यहाँ पे जो आया है वो H+ आयन है। जब ये रिएक्शन होती है PbO की हाइड्रोजन आयन से एंड PbSO4 की हाइड्रोजन आयन से, तो सिंपली क्या होता है, वहाँ पे हमको लीड मिलता है जिसको हम स्पॉन्जी लीड भी बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी सिंपल प्रोसीजर बिफोर चार्जिंग की। चलिए अब समझते हैं इसके आफ्टर चार्जिंग में। तो आफ्टर चार्जिंग में जाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, हमको PbO2 मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखा होगा कि PbO2 यहाँ पे जमा हो गया है, एंड यहाँ पे जो है PB विच इज ए स्पॉन्जी लीड वो हमको मिल चुका है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं डिस्चार्ज को, समझते हैं उसकी वर्किंग प्रोसीजर से, एंड उसकी जो रिएक्शंस हैं एंड इक्वेशंस हैं उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, की जो बैटरी है, जो सेल है वो फुल्ली चार्ज्ड है, ओके, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग की बात करें मतलब कि वो चार्ज हो चुका है। अब इस बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज एक्यूमुलेट हो चुके हैं, जो स्टोर हो चुके हैं, इसलिए इसको लीड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं एंड लीड स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्यूमुलेट कर सकता है, स्टोर कर सकता है चार्जेस को, ओके स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, अब जैसे हम इसको सपोज मोबाइल के लिए कंज्यूम कर रहे हैं या कोई भी आपके पास डिवाइस है जिसके थ्रू इस बैटरी में स्टोर चार्जेस को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो क्या होगा, वापस से जो यहाँ पे वाटर था अगेन वो ब्रेकडाउन होगा आयन्स में, तो हमको H+ आयन मिलेंगे एंड O2 नेगेटिव आयन होंगे। पर क्योंकि अब ये किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इट मींस उसको कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप केमिकल जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो चुकी है उसी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिससे हमारी मोबाइल वर्क करेगी। तो उस समय क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो एग्जैक्टली अपोजिट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब कोई बैटरी या डीसी चार्ज कनेक्टेड नहीं है, ओके, तो इसमें क्या होगी, अब रिएक्शन उल्टी होगी। जो H+ आयन्स हैं, जो पॉजिटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, एंड जो O2 नेगेटिव आयन्स है वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस होने वाली है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास PbO2 है एंड इसके पास H आयन्स आ रहे हैं, राइट, ये रिएक्शन करके वापस से मूव क्या देने वाले हैं, PbO एंड PbSO4। ये कैसे हुआ, क्या रिएक्शन हुई, क्या इक्वेशन है, ये अभी हम दिखाएंगे। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट समझिए, लॉजिक समझिए, इसकी स्टोरी समझिए, ताकि एग्जाम में आप इसकी थ्योरी लिख पाएं, ओके स्टूडेंट्स। अब इस निगेटिव टर्मिनल की तरफ या निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो रहा है, O2 निगेटिव आ रहे हैं, तो जैसे ही इसके पास O2 निगेटिव आ रहे हैं वापस से वो क्या मिल जाएगा, दैट इज PbO एंड PbSO4। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स कि आफ्टर चार्जिंग के बाद जब वो फुल्ली चार्ज है और आप उसकी बैटरी को कंज्यूम कर रहे हैं, उसके चार्जेस को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वापस वो इस कंडीशन में पहुंच जाएगी, यानी कि वापस हमको PbO एंड PbSO4 मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि चार्ज करने के बाद ये कंडीशन आएगी एंड वापस डिस्चार्ज करने के बाद या कंज्यूम करने के बाद ये कंडीशन आने वाली है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पूरी वर्किंग प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। चलिए हम स्पेसिफिकली अब वन बाय वन इसके इक्वेशन की बात करते हैं। तो ये बेसिकली डिटेल्स दी हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया हूँ। चलिए अब बात करते हैं वर्किंग की। ये एक चीज़ जो कंडीशन है वो बिफोर चार्जिंग की है, यानी कि चार्ज करने के पहले क्या है,
तो बिफोर चार्जिंग के पहले क्या हुआ था, जो रिएक्शन थी वो इस तरह से कुछ हुई थी कि PbO था हमारे पास एंड H2SO4 था उस लीड की ग्रिड के अंदर, राइट। जैसे कि हमने बताया था कि वो PbSO4 कहाँ से आया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो PbO था पहले से उसकी रिएक्शन हम H2SO4 से करवाते हैं विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हमको मिलता है PbSO4 विच इज़ लीड सल्फेट एंड वाटर मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एकदम पहले की प्रोसेस कि जो जिस तरीके से उस लीड की ग्रिड के अंदर जो रिएक्शन हुई थी ये वो था। चलिए अब देखते हैं चार्जिंग प्रोसेस को। इट मीन्स उस सेल को अब हमने डायरेक्ट करंट इट मीन्स DC देना स्टार्ट कर दिए, तो उस समय क्या रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम इसमें चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होने लगती है तो वहाँ पे जो वाटर है वो इस तरह से आयनाइज होता है, तो हमको 2H+ आयन मिलते हैं एंड O2 नेगेटिव आयन मिलते हैं। ओके, इस समय जो ये हाइड्रोजन आयन्स है यानी कि पॉजिटिव आयन्स हैं वो नेगेटिव ग्रिड की तरफ मूव करते हैं एंड जो O2 नेगेटिव आयन है वो मूव करते हैं पॉजिटिव ग्रिड की तरफ। ओके, अब पॉजिटिव प्लेट पे क्या होगा, PbO भी था एंड PbSO4 भी है ग्रिड में, राइट। तो यहाँ पे O2 नेगेटिव की रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही O2 नेगेटिव की रिएक्शन होगी तो आपको दिख रहा है कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जाता है क्योंकि नेगेटिव है चार्ज, इसने किसी के इलेक्ट्रॉन लेके आया है, किसी के मतलब हाइड्रोजन का आयन लेके आया है, राइट। तो यहाँ पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे और ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे उस पॉजिटिव वाली ग्रिड पे। ओके, इसके बाद क्या होगा, जो PbSO4 है उसकी रिएक्शन हम O2 नेगेटिव से कर रहे हैं तो वहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है, राइट। तो जब ये रिएक्शन होगी तो हमको PbO2 विच इज लीड परऑक्साइड, इसको लीड ऑक्साइड भी बोलते हैं, एंड H2SO4 मिलता है एंड अगेन 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं कहाँ पर, उस पॉजिटिव ग्रिड पे। ओके, तो नेगेटिव प्लेट पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मेरे पास PbO भी है एंड PbSO4 भी है। अब इस पे हाइड्रोजन आयन है तो उसकी रिएक्शन होगी। अब आप ही सोचिए, जब यहाँ पे प्लस आयन है इसका मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने किसी और को देखा है, किसी और को मतलब ऑक्सीजन को देखा है। तो अब क्या होगा, इसको संतुष्ट करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमको देना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, वो देगा बेसिकली जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है लीड का, वो देगा। ओके, तो इस तरीके से नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे या फिर नेगेटिव प्लेट पे हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वापस हमको क्या मिल रहा है, जब रिएक्शन हो रही है तो PbO मिलेगा एंड H2O मिलने वाला है, एंड PbSO4 की जब रिएक्शन इस हाइड्रोजन आयन से करेंगे और जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो उस समय क्या होगा, हमको PbO मिलेगा, लीड मिलेगा अगेन एंड H2SO4 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी रिएक्शन नेगेटिव प्लेट पे जो हो रही थी ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, या आप ये बोल सकते हैं कि बिफोर चार्जिंग। तो इससे आपको ये चीज समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स की जो पॉजिटिव प्लेट है वहां पे क्या जमा हो रहा है, PbO2 विच इज लीड ऑक्साइड या लीड परऑक्साइड भी बोल सकते हैं, एंड जो नेगेटिव प्लेट है वहां पे क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, विच इज PbO मीन्स लीड, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी लीड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं इसके EMF की। तो इस चार्जिंग की प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। ओके, एंड इसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में रेज हो जाता है। ओके, एंड जब ये चार्जिंग की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, उस समय वाटर जो है वो कंज्यूम किया जाता है एंड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वहाँ पे बनता जाता है। ओके, एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो बनते जा रहा है उस सल्फ्यूरिक एसिड की जो ग्रेविटी है वो बेसिकली बढ़ते जा रही है। तो एक्चुअली इस चार्जिंग के पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड की ग्रेविटी थी वो थी 1.18 एंड चार्जिंग के बाद हो जाता है 1.28, एंड जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड की ग्रेविटी 1.28 पे होती है इसका मतलब ये होता है कि जो सेल है, जो वो बैटरी है, वो फुल्ली चार्ज हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस स्टेज पे जो EMF होता है उस सेल का वो होता है 2.2 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से इस चार्जिंग की प्रोसेस में क्या होता है, एनोड पर हमको क्या मिल जाता है, एनोड पे हमको मिलता है कि डार्क ब्राउन लीड परऑक्साइड जमा हो गया। ओके, एंड जो कैथोड है उस पर स्पॉन्जी लीड जमा हो चुका है। तो ये थी सिंपल प्रोसीजर चार्जिंग प्रोसेस की। चलिए बात करते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस की। तो जैसे कि हमको पता है स्टूडेंट्स की डिस्चार्जिंग की जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली अपोजिट होती है चार्जिंग की प्रोसेस के। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लीड एक्यूमुलेटर होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है उसके अंदर और वहाँ से वो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अगेन इसमें क्या होता है, जो H2O होता है उससे हमको H+ आयन मिल जाते हैं एंड O2 नेगेटिव आयन मिल जाते हैं, एंड जो रिएक्शन होती है अगेन हमको 2 अलग अलग प्लेट पे अलग अलग रिएक्शन देखने मिलती है। तो उस समय जो पॉजिटिव प्लेट होती है उस पे PbO2 यानी कि लीड परऑक्साइड जमा है एंड इस समय उसके पास हाइड्रोजन अट्रैक्ट होता है। अब आपको दिख रहा है कि H+ है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दी जाते हैं एंड जब ये रिएक्शन होती है तो अगेन हमको PbO मिलता है। ओके, अब इस PbO को फर्दर रिएक्शन होती है, इसको आगे रिएक्शन करवाई जाती है PbO की H2SO4 से, तो हमको वहाँ पे PbSO4 एंड H2O मिलता है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है स्टूडेंट्स कि अगेन हमको PbO एंड PbSO4 मिल चुका है पॉजिटिव प्लेट पे, यानी कि कंडीशन थी बिफोर चार्जिंग की। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव प्लेट की। अब नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ था O2 नेगेटिव आयंस,
तो ये जब रिएक्शन होती है तो हमको मिलता है PpO एंड दो इलेक्ट्रॉन भी मिल जाते हैं क्योंकि O2 नेगेटिव मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा थे। ओके एंड अगेन इस PpO की रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 के साथ तो हमको मिल जाता है PbSO4 एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो अगेन आप देख रहे हैं हमको PpO एंड PbSO4 का जो पेस्ट है वो मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स तो अगर इस रिएक्शन की बात की जाए तो अब इस वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की जो है कमी हो गई है एंड नेगेटिव प्लेट पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस यानी कि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉजिटिव प्लेट का वो बहुत ज्यादा हो जाता है और वो डोमिनेट करता है नेगेटिव प्लेट को, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है जो जनरली हमेशा ही होता है। ओके स्टूडेंट्स एक्चुअली अपोजिट है एज पर द चार्जिंग प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पे करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इस वजह से हम अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें तो हमेशा अपोजिट होता है करंट के फ्लो के। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा। ओके स्टूडेंट्स तो इस डिस्चार्जिंग की प्रोसेस से क्लियर होता है स्टूडेंट्स की जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे बन रहे हैं एंड इसी वजह से जो रिलेटिव डेंसिटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की वो 1.28 से घट करके अगेन 1.18 हो जाती है। जैसे ही 1.18 पे होती है और जो वोल्ट होता है वो 2.2 वोल्ट होता है उस समय, तो ये बेटर होता है कि उस समय इस सेल को यूज करना स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसके बाद भी हम यूज करेंगे तो क्या होगा एक्चुअली स्टूडेंट्स कि जो सेल हम यूज कर रहे हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ओके एंड इस सेल में जो केमिकल रिएक्शन सारी हो रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो रही है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसी वजह से क्योंकि ये सारी रिएक्शन एसिड के बेस पे हो रही है इसलिए इस लीड एक्यूमुलेटर या लीड स्टोरेज का दूसरा नाम भी है कि एसिड एक्यूमुलेटर सेल। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा, वर्किंग प्रोसीजर क्लियर हो गई कि लीड एक्यूमुलेटर या लीड स्टोरेज कैसे काम करता है। चलिए अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि इस सेल का जो EMF होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, दैट इज नियरली 0.01 ओम। ओके इसीलिए जो ये सेल है बेसिकली स्ट्रॉन्ग करंट सप्लाई कर सकने में कैपेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स सेकेंड मेरिट है कि जो इस सेल का जो EMF है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है एंड इसी वजह से इसको लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स थर्ड मेरिट है कि इस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल भी पॉसिबल है, इसी वजह से इसको रिचार्ज करना पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स तो ये थे मेरिट्स, चलिए अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स। फर्स्ट डीमेरिट है कि लीड प्लेट्स के यूज होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है एंड इसी वजह से इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए ये इनकन्वीनियंट होता है। ओके सेकेंड है कि इस सेल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लीड इज कॉस्टलियर। ओके एंड द थर्ड वन इज जो एफिशिएंसी है इस सेल की वो 70% है एंड द लास्ट वन कि जो लीड एक्यूमुलेटर है उसके मेंटेनेंस के लिए हमको स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की। तो सबसे पहली प्रिकॉशन है कि जब आप ये एक्यूमुलेटर यूज कर रहे हैं लीड एक्यूमुलेटर जब यूज कर रहे हैं तो उस समय जब उसका EMF 1.18 वोल्ट हो जाता है तो उसको यूज करने से स्टॉप कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो सेल है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। ओके एंड इससे होता क्या है एक्चुअली कि जो PbSO4 बन रही है वो जमा होना शुरू हो जाती है प्लेट पर, जिसकी वजह से वो प्लेट जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है और जैसे वो प्लेट हार्ड हो जाएगी तो वो वापस से स्पॉन्जी लीड यानी कि लीड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी या फिर PbO नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से उस पर चार्जिंग जो है नहीं हो पाएगी एंड वो यूजलेस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स देखते हैं सेकेंड प्रिकॉशंस। जब आप ये सेल यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो सेल है वो शॉर्ट सर्किटेड नहीं हो या उसमें बहुत ज़्यादा हाई करंट आप लोग उसको नहीं यूज कर रहे हैं, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएगा। ऐसा इसलिए जब आप उससे बहुत ज़्यादा हाई करंट यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर जमा होती है एंड इस वजह से जो ग्रिड है या फिर जो लीड की प्लेट्स है वो बेंड यानी कि डिफॉर्म हो जाती है, उनका शेप चेंज हो जाता है एंड जो PbSO4 है वो वहाँ पर सॉलिड हो जाता है, जमा हो जाता है और आप उसको वापस से यूज नहीं कर पाएंगे। ओके द थर्ड प्रिकॉशन इज जो आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं वो प्योर स्टेट में होना चाहिए। अगर उसमें लोकल एक्शन है इट मीन्स उसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई है तो अगेन वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। द नेक्स्ट वन जब आप इस एक्यूमुलेटर को यूज कर रहे हैं तो उस समय जब आप यूज नहीं कर रहे तब भी आपको इन लीड की प्लेट्स को एक एसिड के अंदर रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स एंड द लास्ट वन स्टूडेंट्स जब आप इसमें वाटर मिला रहे हैं तो हमेशा वाटर कैसा होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।